नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हमीरपुर इकाई के चुनाव स्थानीय प्रेस रूम में प्रदेश अध्यक्ष रानेश राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुए चुनावों में पंकज भारतीय को हमीरपुर जिला के पत्रकारों की कमान सौंपी गई। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कंवर ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए रणवीर ठाकुर, महासचिव के लिए अनिल शर्मा को चुना गया। जिला में यूनियन की सदस्यता अभियान के लिए जसवीर कुमार को प्रभारी बनाया गया। दिनेश कंवर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के लिए मनोनीत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा, कपिल बसी तथा रमेश शर्मा को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष रणेश राणा ने कहा कि एनयूजी का इतिहास पत्रकारों के लिए सदैव संघर्षरत रहने का है। उन्होंने कहा कि हिमाचल इकाई ने प्रदेश सरकार के पास वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन, कार्यरत पत्रकारों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने का तथा तहसील व उपमंडल स्तर पर पत्रकारों को मान्यता दिलवाने के लिए विषय उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार यूनियन पत्रकारों के हितों के लिए सदैव प्रयासरत है तथा उनकी बेहतरी के लिए वे निरंतर कार्यरत रहेंगे। उन्होंने हमीरपुर जिला की नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए पूरे जिला में उपमंडल स्तर तक इकाइयों के गठन के लिए अधिकृत किया है और तहसील स्तर के पत्रकार हैं उन्होंने जो भाग लिया इसमें आज पत्रकारों के काफी मुद्दों पे जो है चर्चा हुई, जैसे पेंशन को लेकर था, पत्रकार कल्याण बोर्ड का सरकार गठन करे और भी बहुत सारे जो है बीमा योजना थी, पत्रकारों की सुरक्षा थी, नेशनल जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने को लेकर हमारी मांग थी, तो उस मुद्दों के जो है चर्चा हुई। उसके बाद जो चुनाव अधिकारी दिनेश कंवर जी की जो है अध्यक्षता में जिला हमीरपुर के जो है चुनाव हुए एनयूजी इंडिया के, उसमें सर्वसम्मति से पंकज शर्मा भारती जी को जो है जिला अध्यक्ष जो है चुना गया, रणवीर ठाकुर जी को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया, महासचिव के रूप में अनिल शर्मा जी को और सदस्यता अभियान प्रभारी के रूप में जसवीर जी को जो है लिया गया। अभी आने वाले जो अगला महीना है उसमें जैसे ही कोरोना काल से हम ये निपटते हैं उसके बाद जो पांचों मंडलों की जो इकाइयां है उनका गठन कर दिया जाएगा और 100% जो सदस्यता है वो करने का जो हमारी इकाई ने प्रण लिया है। कोई भी पत्रकार अब जो है ऑनलाइन भी मेंबरशिप बन सकता है ₹150 देकर और डिजिटल मेंबरशिप भी हमने कोरोना के उसमें काल में शुरू की है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पंकज भारती ने हमीरपुर के विभिन्न मंडलों से आए हुए पत्रकारों का उनके चयन के लिए धन्यवाद भी किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि उनके हितों को सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जिला कार्यकारिणी का विस्तार होगा तथा उपमंडल स्तर पर भी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया तथा उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रण लिया। आज एनईजे की जो हमीरपुर जिला इकाई का गठन हुआ है, जैसे कि रणेश जी ने अभी बताया ही है, मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, रणवीर जी को कार्यकारी अध्यक्ष, अनिल जी को महासचिव और जसवीर जी को जो है वो सदस्यता अभियान का प्रमुख बनाया गया है। हम आज हमीरपुर के जिला के सभी पांचों मंडलों से आए हुए सभी पत्रकारों का और जो पांचों मंडलों के जो प्रमुख प्रेस क्लब हैं उनके जो अध्यक्ष महामंत्री हैं उनका जो एक समर्थन था वो हम सबको प्राप्त हुआ है। उसके विगत अब आगे जो है वो हम अपनी जिला कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे जिसमें जिला मुख्यालय और उपमंडल को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो उपमंडल स्तर पर भी अलग अलग जो है वो इकाइयों का गठन किया जाएगा। सदस्यता अभियान के लिए जसवीर जी को अधिकृत किया गया है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि बरसात से पूर्व मतलब जुलाई महीने में ही हम इस कार्य को कर लेंगे और जैसे प्रदेश की जो कार्यकारिणी के आदेश आते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के जैसे दिशा निर्देश रहेंगे उसके अनुरूप हमीरपुर जिला के जो कार्यकारिणी है वो कार्य करेगी। इस अवसर पर हमीरपुर से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उषा चौहान, सुशील शर्मा, अरविंदर सिंह, अशोक कटोच, रविंद्र कुमार, संजीव चौहान, वासुदेव नंदन, कमलेश भारद्वाज, रमाकांत, हेमंत कुमार, रामलाल, नवनीत सोनी, सन्नी मेहरा, विशाल राणा, सुमित विधिचंद, राजेश खन्ना, निष्पक्ष भारती, संजीव बॉबी, प्रदीप शर्मा, संजय कश्यप, धर्मवीर, मुकुंद शर्मा, नितिन शर्मा, राजेश ठाकुर, अनुप प्रभारी गौरव जैन,
बड़सर से रमेश शर्मा, संजय गोस्वामी, संजय शर्मा गलोड से अशोक कुमार, कांगू से राजेश कुमार उपस्थित रहे।